आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ बादाम मिल्क शेक बनाने। तो एक देख सकते हैं आप लोग, एक कढ़ाई रख दिए हैं और कढ़ाई में मैं दूध डाल रही हूँ, लगभग 1 केजी के लगभग में है। जरूरी नहीं है कि आपको फुल क्रीम ही लेना, जो भी नॉर्मल दूध डेली आप यूज करते हैं खाते हैं उसी को आराम से आप ले सकते हैं। तो इसको एक उबाल तक इंतजार कर लेते हैं। तो दूध मेरा अच्छा तरह से देख सकते हैं आप लोग उबल चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। तो बादाम मिल्क शेक बना रहे हैं, तो इसके लिए बादाम अच्छी तरह से रात में भिगो दिए थे ओवरनाइट के लिए, और इसको अच्छी तरह छिलका निकाल लिए हैं। कम से कम 15-16 बादाम ले लिए हैं और इसी में 2 कलछल दूध डाल दे रहे हैं और डालकर इसको थोड़ा दूध ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर में इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे दूध हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पर था तो निकाल लिए थे 2 कलछल छोटा कलछल से, और इसमें वनीला का कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यही वाला, और इसमें से 1.5 चम्मच निकालते हैं। तो देख सकते हैं 1 चम्मच यहाँ वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिए हैं और 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच। तो इसको अच्छी तरह से घोल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ गाढ़ा ही इसका पेस्ट रखना है, इसका कस्टर्ड तो बनाना नहीं है। और यहाँ पे धीरे धीरे डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ न बने, और इसको 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि गाढ़ा हो जाए पेस्ट। और यहीं पे लगभग 2 चम्मच बड़ा चम्मच से चीनी डाल रहे हैं, और आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ज़्यादा मीठा मैं नहीं बना रही हूँ। मेरा दूध भी गाढ़ा धीरे धीरे हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल इस तरह से पेस्ट आपको बनाना है, ज़्यादा नहीं न ज़्यादा पतला, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। इसको इसमें आप डाल देते हैं, डालकर इसको दो 3 मिनट के लिए चला लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से मेरा गाढ़ा हो गया है, और यहीं पे मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। डालकर इसको 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो देख सकते हैं मेरा मिक्स बन गया। अब इसको उतार लेते हैं, गैस ऑफ करते हैं यहीं पे। तो देख सकते हैं आप लोग, एक बर्तन में मैं निकाल ली हूँ। अब इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज या फ्रीजर में रख दीजिए ताकि आराम से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग मेरा बिल्कुल क्रीमी बादाम मिल्क बन के तैयार है। तो बिल्कुल इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं फिर। तो देख सकते हैं आपको दिखा रहे हैं कितना क्रीमी मेरा बन के मिल्क शेक तैयार है। तो ऊपर से मैं इसको सर्व कर रही हूँ काजू पिस्ता से, चाहे तो आप टूटी फ्रूटी से भी इसको सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और आप भी एंजॉय करिए, गर्मी का समय है। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।